गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हमारी फिजिक्स के अंदर क्लास नंबर 5th है और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। इसे पीछे वाली क्लास में हमने स्टडी किया था वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। देखिए काफी सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिनके अंदर जो अप्लाइड फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहता, अलग अलग पॉइंट्स पे जो फोर्स की जो वैल्यू है वो कुछ डिफरेंट होगी। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे किसी चीज को आप ऊपर फेंकते हैं, जैसे कोई बॉल है उसको आपने ऊपर की साइड फेंका, तो उस बॉल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वो अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे जैसे बॉल की जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी, जैसे यहां पे है फिर यहां पे जाएगी, तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू कुछ कम होगी, और ऊपर जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू और कम होगी, ऐसे ही और ऊपर जाएगी तो और कम होती जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। हाँ, अगर डायरेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो डायरेक्शन, जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। क्लियर? तो ऐसे हमारे पास में काफी सारे केसेस हैं जिसके अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो भी चेंज मिल सकती है आपको, और जो डायरेक्शन है वो भी चेंज मिल सकती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो यहां पे मैंने दो ग्राफ बनाए हैं, वन बाय वन समझेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और इस वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक टर्म है समेशन, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, और एक नई टर्म आपको देखने की मिलेगी इंटीग्रेशन, उसका भी यूज हम बताएंगे आप लोगों को। तो पहले हम इस ग्राफ को समझेंगे। ये देखिए इस फिगर के अंदर जो लेफ्ट साइड में आपको ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे आपको ये इनिशियल पोजीशन है एक्स आई और ये फाइनल पोजीशन है, यानी कि इस डी पॉइंट से सी पॉइंट तक कोई आपको ऑब्जेक्ट लेके जाना है, लेकिन उस पे जो फोर्स काम कर रहा है, जो अप्लाइड फोर्स है, यानी कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है इस डी पॉइंट पे कुछ अलग है और जब ये सी पॉइंट पे पहुंचता है, क्लियर, तो यहां पे उसकी मैग्नीट्यूड कुछ अलग है। और इन बिटवीन इस ए टू बी पाथ में अगर आप देखें तो जो अप्लाइड फोर्स है जिसको हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, इसकी जो डायरेक्शन है वो तो सेम डायरेक्शन रहेगी, क्लियर, लेकिन जो इसकी जो मैग्नीट्यूड है ए टू बी अगर आप देखें तो वो क्या है कि चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। अब इसी को हम देखेंगे कि कैसे आप लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो ए टू बी है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, करंट पाथ आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको छोटे छोटे इक्वल रेक्टेंगल्स में आप बांट लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, उनका जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने ये जो पूरा पाथ है ए टू बी, इसको सेम साइज की रेक्टेंगल्स में हमने बांट लिया है। तो जैसे डी पॉइंट से हमने शुरू किया, ये हो गया ये, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे ही सबका जो साइज है रेक्टेंगल की, जो वाइड की बात करें तो दैट इज क्या है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, बहुत ही कम, आप जीरो के बराबर नहीं कह सकते इसको, लेकिन जीरो के अप्रोच ही कर रहा है, आप डेल्टा एक्स आप ऐसे मान सकते हैं, बहुत ही कम इसकी वाइड्थ रहेगी आपके पास में। तो समझने के लिए हमने इस पूरी फिगर से एक रेक्टेंगल को चुन लिया है, दैट इज ये वाली आपको जो दिखाई दे रही है एस पी क्यू आर, इसको हमने चूज कर लिया है, क्योंकि अगर आप एक रेक्टेंगल का एरिया
यहां से निकाल लेंगे तो बाकी क्या करेंगे, सभी का जो एरिया है उसको आप जोड़ देंगे समेशन का यूज करते हुए, तो टोटल आपके पास में वर्क डन निकल करके आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये रेक्टेंगल स्ट्रिप लेता हूं एस पी क्यू आर, ये जो आपको फिगर में जो दिखाई दे रही है अलग से ब्लू कलर की हेल्प से, अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही अगली का, नेक्स्ट का, नेक्स्ट का और ऐसे ही पीछे वाले का, सभी का अगर आप जोड़ देंगे तो आपको ए से बी के बीच में टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको मान लेना है कि लेट जो एस एस पॉइंट से आर पॉइंट तक आपको कोई ऑब्जेक्ट लेके जाना है, क्लियर, तो उस पे आपने जो फोर्स अप्लाई किया, मान लीजिए एफ एक्स आपने जो फोर्स है वो आपने अप्लाई किया कहां से, एस पॉइंट से आर पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट ले जाने में, तो एफ एक्स ये आपने फोर्स अप्लाई किया और एस पॉइंट से आर पॉइंट तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स क्या है, ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट हुआ कहां से कहां तक ले जाने में, एस पॉइंट से आर पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को ले जाने में, और जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड रही वो कितनी रही, यानी कि वो रिप्रेजेंट करेगी एस से पी तक की वैल्यू, दैट इज एफ एक्स। एफ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा, फिर से रिपीट करते हैं, एफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दैट इज एस टू पी, और जो आपने डिस्प्लेसमेंट की है यानी कि ऑब्जेक्ट को आप लेके गए हैं एस टू आर, उसको रिप्रेजेंट किया है आपने डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ है डेल्टा एक्स एस आर, क्लियर, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब इसका जो स्ट्रिप का जो एरिया है वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। अब रेक्टेंगल का जो एरिया है वो फाइंड आउट करने का क्या मेथड है आपका, लेंथ इनटू वाइड, अब लेंथ देखिए एसपी वर्कमैन, इस छोटे से के लिए, इस रेक्टेंगल इतने पोर्शन के लिए एस पी क्यू आर इतने में के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहां पे वर्क डन, फोर्स स्ट्रिप एस पी क्यू आर, तो इसके लिए आपके पास में वर्क डन को मान लीजिए हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसका जो एरिया है रेक्टेंगल का वो लिख दीजिए एस पी, उसकी हाइट या लेंथ ले लीजिए आप, और इनटू में उसकी वाइड ले लीजिए एस आर। अब एस पी किसके बराबर है, एस पी देखा जाए, एस पी जो है क्योंकि जो वाई एक्सिस है, ठीक है, वहां पे आपने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट किया है जिसको एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया है आपने, तो आपने क्या माना कि जो एस टू पी जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज क्या है, एफ एक्स, तो यहां पे आप लिख दीजिए W इज इक्वल टू एस पी की जगह पे आप एफ एक्स लिख दीजिए, और इनटू में जो एस आर है उसकी जगह पे आप डेल्टा एक्स लिख दीजिए, क्लियर, तो ये चीज आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो वर्क डन है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा, आप यहां पे दूसरे वर्ड में ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज द क्या है, एरिया ऑफ स्ट्रिप एस पी क्यू आर, आप अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, ये देखिए ये आपने इस पूरे पोर्शन का छोटा सा पार्ट आपने कंसीडर किया है, तो जो वर्क डन होगा वो भी कम ही होगा, क्लियर, तो इस वर्क डन को आप स्मॉल वर्क डन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी कि डेल्टा डब्ल्यू, क्यों, क्योंकि आप छोटे से पोर्शन के लिए, छोटी सी
मोमेंट के लिए आप वर्क डन निकालने जा रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा, तो ये डेल्टा डब्ल्यू आपके पास में आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको कंप्लीट ए टू बी अगर आपको फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क डन आपको अगर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन यहां पे मैं लिख देता हूं, टोटल वर्क डन क्या बन जाएगा, टोटल वर्क डन कहां से, एक्स आई से एक्स एफ तक, टोटल वर्क डन फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, यानी कि इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक अगर आपको वर्क डन निकालना है, तो आपको क्या करना है, सभी का जो एरिया है उसको जोड़ देना है। यानी अब इसको समेशन की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखिए, टोटल वर्क डन को मान लीजिए हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है, कैपिटल हो जाएगा आपके पास में, दैट इज समेशन यूज करना है आपको, कहां से कहां तक, नीचे देखिए, नीचे यहां पे एक्स आई से और कहां तक, फाइनल पोजीशन एक्स एफ तक, यहां तक लिखना आपको, और टोटल जो एरिया है, क्लियर, टोटल जो एरिया है उसको आप लिख देंगे, क्लियर। तो टोटल एरिया, अब यहां पे देखिए एरिया निकालने का, ये हमारे पास में बना था एफ एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, तो ये आपके पास में टोटल वर्क डन जो है निकल करके आ जाएगा ऐसे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं साथ के साथ में, जो लिमिट है डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो, यानी कि जो वाइट जो है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की वो बिल्कुल जीरो तो नहीं है, दैट इज अप्रोचेस टू जीरो, जीरो के नजदीक है। तो इस पार्ट में आपने देखा कि आप समेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही जो राइट साइड है उसके अंदर हम मैथमेटिकल टूल इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना आप लोगों को।